So, दोस्तों मेरा नाम है विजय कुशाग्र और आप सब देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट शो जिसका नाम है मार्केट बस ओनली ऑन हैथवे बीटीवी युवा क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। सो गाइस जैसा कि आप सबका विश्वास मुझ पर इतने समय से बना हुआ है कि जितनी भी लेटेस्ट व्हीकल्स लॉन्च होते हैं उन सभी का रिव्यू लेकर आता हूं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। वेल, इसकी डिजाइनिंग के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इंजन के बारे में, एवरीथिंग, कंफर्ट लेवल, स्पीडिंग, परफॉर्मेंस, हर एक चीज के ऊपर मैं पैनी नजर रखने वाला हूं और इस कार का रिव्यू आप सभी तक लाने वाला हूं। तो अगर आपको वो सारी चीजें देखनी है तो बस बने रहिए हमारे साथ इन द सेगमेंट ऑफ मार्केट बस। तो दोस्तों वैसे तो इस कार को रिव्यू करना मेरे लिए इट्स अ बिग डील बिकॉज इस कार के बारे में सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस मैं नहीं जानता हूं। तो आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट फ्रॉम Hyundai इटसेल्फ, धर्मेंद्र जी का वेलकम करना चाहता हूं जो आज हमारे साथ इस कार को रिव्यू करने वाले हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वर्ना फ्लूइडिक वर्ना सीरीज की सबसे सक्सेसफुल कार रही है और ऐसा माना जाता है कि दिस इज द माइलस्टोन, ये एक माइलस्टोन कार है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में Hyundai ने लॉन्च किए। तो वेल, अगर इस कार के बारे में बात करें, जैसा आपने बताया इट्स अ फिफ्थ जनरेशन कार, तो ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं इस सेगमेंट में जो बाकी दूसरी ब्रांड्स में आपको नहीं मिलती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा मैं कि जो वरना जो फिफ्थ जनरेशन लॉन्च की गई है 2017 में, इसे कई आकर्षक फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि अन्य गाड़ी से इसको बहुत बेहतर बनाते हैं। जैसे अपन इसकी बात करें खूबसूरती की, इसकी डिजाइनिंग की जो बहुत ही आकर्षक थी। जी हाँ बिल्कुल, वर्ना जानी जाती है अपनी डिजाइनिंग के लिए और जिस प्रकार से Hyundai ने इस कार को डिजाइन किया है ये देखने लायक है बिकॉज अगर आप फिनिश देखेंगे तो कंप्लीट वन फ्लो आपको मिलता है। अगर आप किसी भी कार की डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज परफेक्ट सेडान, तो इसके लिए अगर आप पूरा फ्लो देखेंगे तो एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म फ्लो जाता है, कर्व जाता है पीछे की साइड तक। एंड अगर फ्रंट की बात करें देन ऑफ कोर्स कैस्केडिंग ग्रिल्स हैं क्रोम्स की, वो एक एडिशन है पूरे डिजाइनिंग में। सर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वर्ना अपनी डिजाइनिंग के लिए भी जानी जाती है, तो यहाँ पर देख सकता हूँ कि कैस्केडिंग क्रोम ग्रिल्स है और इस पर अलग प्रकार की थोड़ी सी पॉइंटेड हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये किस तरह से विजन में हेल्प करते हैं और आपको बेटर एक्सपीरियंस देते हैं ड्राइविंग के समय? देखिए, पहले तो बताना चाहूँगा कि जो गाड़ी की जो डिजाइनिंग दी है वो हेडलाइट जो दी है क्रोम की डिजाइन में दी है, जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्लस कॉर्नरिंग लैम्प और LED के साथ में से दिया गया है, जो गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है और बहुत आकर्षित लगती है इस गाड़ी। सो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ यहाँ पर डे टाइम रनिंग लैम्प्स भी दिए गए हैं और कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे कार को डिज़ाइन किया गया। अगर आप सिर्फ इसकी हेडलाइट देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव लुक आता है बिकॉज हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी को सूट होना चाहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ कम्प्लीट फुल ऑफ परफॉर्मेंस कार जिसमें एग्रेशन हो, जिसमें डिजाइनिंग हो, परफॉर्मेंस हो, पैशन हो, देन दिस इज द परफेक्ट कार। वेल, हम इसको और भी अच्छे से रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली मुझे कन्फ्यूज कर रही है कि यार वर्ना ने इस बार कमाल का काम किया है बिकॉज जस्ट बिलो द हेडलैम्प अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स मिलते हैं और उसके साथ में क्रोम की जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छे से सूट कर रही है। वेल, यहाँ पर जो अलग अलग कलर वेरियंट्स है उसमें तो चार चांद लगाई गई है ये पूरे डिजाइनिंग। वेल सर, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर फ्रंट डिजाइनिंग के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे फ्रंट पार्ट के बारे में हमारे सारे व्यूवर्स से? देखिए, फ्रंट डिजाइन जो दी है वरना की बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग दी है, बहुत अच्छी दी है। देखिए, डायनामिक जो शेप दिया है, डायनामिक में इसमें जो दिया है स्लोपिंग डिजाइन में जो डिजाइनिंग इसकी दी है वो स्लोपिंग में अपन कहते हैं डायनामिक डिजाइन दी है और इसे इसलिए दी है कि लॉन्ग बोनट के साथ में दिया है इस बार। प्लस इसकी जो डिजाइनिंग की लुकिंग बढ़ाता है वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED प्लस कॉर्नरिंग लैम्प जो इसमें इस बार एड है। उसके अलावा आप देखें तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अभी तक जो लैम्प यूज़ किए जाते थे वो होते थे नॉर्मल लैम्प जो कि फोग लैम्प में आते थे, इस बार कंपनी ने इसे दिया है प्रोजेक्टर फोग लैम्प प्लस क्रोम सराउंड के साथ में, जिससे इसे बहुत खूबसूरत बनाते हैं इस टाइम। जी, क्योंकि क्रोम का इस्तेमाल हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा क्रोम अगर आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो वो लुक बिगड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पर इस कार में क्रोम का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया गया। वेल, अगर पूरे हम बॉडी डिजाइनिंग के बारे में बात करें देन इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एलिगेंट। सबसे एक ऐसी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है वो है ये जो हर एक प्रीमियर कार में होनी चाहिए एंड दिस इज नन अदर देन इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। वेल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सनरूफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे ऑपरेट होती है और कितनी खूबसूरती के साथ ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है? देखिए, पहले तो बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिक स्मार्ट सनरूफ जो इस बार वरना में स्पेशल दिया गया है, काफी लोगों को इसमें पसंद था कि हम वरना में कुछ ऐसा करें जो कि अदर गाड़ीज में दे रहे, जैसे अदर गाड़ीज में दिया जा रहा है सनरूफ इस वरना में होना चाहिए। कंपनी ने इस बार इसको रिलाइज किया प्लस कम बजट के रूप में
इस गाड़ी में अवेलेबल कराया गया इलेक्ट्रिक, मतलब हाई एंड जो लग्जरी वेरिएंट्स होते हैं कार्स के उनमें आपको सनरूफ मिलती है। तो मैं सर से चाहता हूं कि आप प्लीज इस सनरूफ को हमारे लिए ऑपरेट करके बताएं, बिकॉज होता है हमने पिक्चरों में देखा है यार कि हीरो है हीरोइन है बाहर जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, सडनली हीरोइन की इच्छा होती है कि वो बाहें फैला के उस तेज हवा से रूबरू हो, तो यहां पर आपको वो चीज मिलती है। तो सनरूफ अभी यहां पर ओपन होने वाली है, क्या बात है। अगर आप देख सकते हैं कि सनरूफ यहां पर ओपन कर दी गई है जिसमें स्पेस है वो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। अगर आपको नेचुरल एयर चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एसी से दिक्कत होती है, एसी ज्यादा वो एडजस्ट नहीं कर पाते, ब्लेंड नहीं कर पाते खुद को, सो उस चीज के लिए जो नेचुरल एयर इनपुट होता है वो सनरूफ बहुत अच्छे से बढ़ा देती है और साथ में फैशनेबल भी है। और अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी फैमिलीज हैं, किसी को बाहर चलना है एट द स्पीड ऑफ 40, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा जब स्पीड हो रही हो तब आप बाहर निकल जाएं, दैट कैन बी डेंजरस। सो कम एक नॉर्मल स्पीड है जिसमें आप इजिली इंजॉय करना चाहते हैं, रात को आप घूमना चाहते हैं इधर उधर, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच गुड और मुझे काफी अच्छा लगा है ये फीचर। वेल, डिजाइनिंग के बारे में हम बहुत बाद में बात करेंगे, जितनी भी अंदर की चीजें हैं, अंदर के स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन यहां पर अगर हम साइड व्यू की बात करें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। और प्लस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं साइड व्यू का ये है कि सबसे पहली बात जो लाइनिंग्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत अच्छी है, एरोडायनामिक डिजाइन है और क्रोम हैंडल दिया हुआ है। काफी सारी कार्स में मैंने यही देखा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा सादा सादा सा लगता है, मजे नहीं आते, जैसे कहते हैं ना कि नमकीन नहीं होते लुक्स, तो उसी प्रकार से यहां पर उस चीज को ध्यान रखा गया है और क्रोम हैंडल्स दिए हुए हैं जो देखने में काफी अच्छे हैं। वेल, सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं, तो यहां पर हमने देखा है कि जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो अच्छा परफॉर्मेंस पर भी ध्यान रहे, क्योंकि डिजाइनिंग में यही होता है कि डिजाइनिंग में कंपनी सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देती कि वो कैसी दिख रही है, वो कैसी लग रही है, उसकी डिजाइनिंग 100% डिपेंडेंट होती है उसके परफॉर्मेंस पर, उसकी स्पीड पर, उसकी स्टेबिलिटी पर। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है, एक कर्व मिल रहा है साइड में भी, तो कैसे ये हेल्प करती है गाड़ी को स्टेबल बनाने में और स्पीड अप करने में? देखिए, फर्स्ट तो बताना चाहूँगा मैं, जो इसे गाड़ी को जिस बार डिज़ाइन दी गई है, फ्लूटी डिज़ाइन से इसे चेंज करके कूपे कास्केट डिज़ाइन में दी है। कूपे डिज़ाइन में इसे पैटर्न किया गया है, काफ़ी लोगों का पहले पसंद था ये डिज़ाइन, बहुत लोकप्रिय डिज़ाइन है। कूपे डिज़ाइन में इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, प्लस इसकी जो दी है फ्लूटी 2.0 जो डिज़ाइनिंग है, ये गाड़ी की एयर कटिंग में बहुत ही मदद करती है। गाड़ी का डिज़ाइनिंग पूरा एयर कटिंग के हिसाब से इसे बनाया गया है ताकि गाड़ी में अच्छी स्पीड मिले, एयर कटिंग अच्छी हो, प्लस माइलेज के साथ ये गाड़ी इस बार निकाली गई है। क्या बात है, मतलब माइलेज, अच्छे माइलेज के साथ इस गाड़ी को इस बार लॉन्च किया गया है और उसके साथ में काफ़ी अच्छी स्पीड भी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम नॉर्मल क्रूजर बाइक्स की मैं बात करूं, क्योंकि एरोडायनामिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हमें सिर्फ और सिर्फ बाइक से मिल सकता है, लाइक जो स्पीडिंग बाइक्स होती है उसमें क्या मिलता है, एक पॉइंटेड नोज रहती है और जितना भी एरिया होता है वो मिनिमाइज़ किया जाता है ताकि एयर कटिंग में हेल्प मिले। अगर आप क्रूजर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली एक बड़ा सा विंडशील्ड होता है जिससे एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रुक पाए ताकि आप ईजिली क्रूज़ कर पाए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी एरिया है साइड्स, उसको मिनिमाइज़ किया गया है, कॉम्पैक्ट बनाया गया है ताकि वो स्पीड अप हो सके और एयर कटिंग में काफ़ी अच्छी हेल्प मिले। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और इसकी साइड डिज़ाइनिंग भी काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव है, साथ में काम अच्छा करती है एरोडायनामिक्स के लिए। वेल सर, अगर हम यहाँ पर अगर हम व्हील्स की बात करें तो व्हील्स ऑफकोर्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्लासी और इस बार एक नया लुक दिया गया है व्हील्स को, तो सर इनकी टेक्निकलिटीज़ जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि डायमंड अलॉय व्हील्स है, लेकिन कितने इंच के हैं, क्या स्पेशलिटी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, पहले तो बताना चाहूँगा जो अलॉय व्हील चेंज किए गए इस बार, अलॉय व्हील में कुछ शेप चेंज किया गया है। जो अलॉय व्हील को दिया गया है डायमंड कट अलॉय व्हील 16 इंच, बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो क्या है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बनाने में बहुत ही मददगार होते हैं अलॉय व्हील डायमंड कट, इसलिए इसका शेप चेंज किया गया है, क्योंकि नॉर्मल जो गाड़ी है उससे अलग दिखे इस गाड़ी, इस गाड़ी के लिए। सो मतलब इस गाड़ी को, इस कार को यूनिक बनाने के लिए भी Hyundai ने बहुत मेहनत की है। वेल सर, आपने काफ़ी अच्छे से हमारी हेल्प की। वेल, इस गाड़ी के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी आप सभी के सामने आने वाली हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो बस बने रहिए हमारे साथ इन द सेगमेंट ऑफ मार्केट बस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि अब हम बात करने वाले हैं इसके रियर व्यू डिजाइनिंग के बारे में। वेल, ये कम्प्लीटली सरप्राइज पैकेज है मेरे लिए, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि इलांट्रा में, ऑफकोर्स हमने देखा है जो रिसेंटली लॉन्च्ड कार है बाय Hyundai, वो दिखने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है जो लुक्स में काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन साथ ही में वो एरोडायनेमिक्स में, एयर कटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर हम बॉडी के, रियर बॉडी अगर हम मिरर की बात करें तो
ग्लास की बात करें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली विंडशील्ड ही है, लेकिन ये बहुत लंबी है, जो इसे कूपे जैसा हमें बताया गया है कि कूपे लुक्स में एक यूनिक चीज़ होती है कि उसका जो रियर ग्लास होता है वो अच्छा बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमें वो देखने को मिल रहा है। साथ में इस बार जो LED लाइटिंग्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं रियर लाइट्स में वो काफ़ी अच्छी है। तो अब हमारे एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि चाबी उनके पास है और एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो वो दिखाने वाले हैं। सो धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। वेल सर, आप यहाँ पर आए हैं और कुछ होने वाला है, अब ये जादू क्या, ओ ये क्या है, दिस इज समथिंग न्यू। इस चीज़ ने मुझे एक्चुअली सरप्राइज किया, बिकॉज व्हेन वी वर प्लानिंग तो इन्होंने बताया था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो डायरेक्ट हम पब्लिक को बताएंगे, आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये क्या हुआ है, मतलब आपने टच नहीं किया है, कोई ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं है, अपने आप ये बूट स्पेस कैसे ओपन हो गया? देखिए वरना में जो दिया है इस बार बहुत ही स्मार्ट फीचर्स दिया है, जो जिसका नाम है स्मार्ट ट्रंक। इसे बूट ओपन करने के लिए सिर्फ स्मार्ट की जेब में होनी चाहिए, अगर स्मार्ट की जेब में है अवेलेबल आपको, तो आपको किसी डिक्की के पास आते हैं, सपोज आप किसी लगेज को लेके आते हैं जी, तो आपको दोनों हाथ अगर बिजी भी रहे आपके, तो बिना हाथ टच करे आप उसको बूट को ओपन कर सकते हैं सिर्फ की आपके नज़दीक होने पर। क्या तो बात है, सो मतलब ये स्मार्ट की है, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप लगेज ला रहे हैं, दोनों हाथ बिजी हैं, अब आप सोच रहे हैं कि भैया आप इस रियर व्यू को कैसे ओपन करेंगे, कैसे इसे पूरा खोला जाएगा, फिर उसमें ट्रंक स्पेस में आप चीज़ें रख पाएंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिर्फ स्मार्ट की अगर आपके पास है तो आप ईजिली इसे बिना कुछ भी, बिना इस गाड़ी को टच ही ओपन कर सकते हैं। वेल सर, मुझे एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगी वो है इसकी रियर व्यू लाइट्स, ये काफ़ी अच्छी है, और मैंने देखा है कि एलांट्रा में इस प्रकार की डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल किया गया। Well, क्या कहा जाता है इस लाइट्स को? देखिए कुछ इस बार बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग दी है, डिजाइनिंग जो दी है टू पीस में, दो अलग अलग पीस में, इसको रेप राउंड में जो दिए थ्री एलिमेंट्स LED के साथ में टेल लैम्प को दिया गया है, जो इस गाड़ी की खूबसूरती को बैक लाइट के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत बनाती है। और इसकी जो डिजाइनिंग दी है वो कूपे डिजाइन के साथ में, जो इसकी स्लाइडिंग वाली डिजाइनिंग दी है वो आके डिक्की से मिलती है, जो स्पेसियस होते हुए ठीक है पीछे स्पॉइलर का वर्किंग करते हुए एक स्टाइलिश लुक प्रदान करती, क्योंकि हाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये ग्लास और ये पीस बिल्कुल अलग है, बिकॉज जब आप इस स्पेस को ओपन करेंगे तब यहाँ से वो चीज़ ऑपरेट होगी, ये डिटैच होगा और दिखने में ऐसा लगता है कि ये पूरा एक सिंगल पीस है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीन डन वेरी इंटेलिजेंटली बाय Hyundai डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। साथ में अगर हम इसके सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है। सो दीज आर द रियर पार्किंग सेंसर्स, जब आप गाड़ी को पीछे रिवर्स में कहीं पार्क कर रहे हैं एंड कोई भी वॉल है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो इस सेंसर के नज़दीक आता है, तो ये अपने आप ब्लिंक करना चालू कर देता है और ड्राइवर को पता लग जाता है कि पीछे कुछ है, जो हमारी जो रेंज है वो कितनी ज़्यादा पास आती जा रही है पीछे के ऑब्जेक्ट से। रियर व्यू कैमरा आपको मिलता है जो पीछे का आपको पूरा अच्छा व्यू देता है। तो सर अगर हम नॉर्मल गाड़ियों से कंपेयर करें तो ये फीचर्स कितना आसान बना देते हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बिकॉज हम ऑफकोर्स ये गाड़ी हमारी जान है, जो भी इस गाड़ी को खरीदता है ये सपना ही होता है किसी का भी गाड़ी खरीदना, तो अगर हम इसे घर में पार्क कर रहे हैं तो ये रोज का काम होता है कि घर में पार्क करना निकालना, तो कितना सुविधाजनक बना देते हैं ये सारे फीचर्स उन सारी चीज़ों को। देखिए सुविधाजनक तो जरूर बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम जब सिटी में ड्राइव करें या घर पर पार्किंग में लगाएं, तो क्या होता है गाड़ी चलाते समय किसी भी लेडीज या जेंट्स कोई भी होते हैं, तो क्या पीछे गाड़ी को देखना, पार करना बहुत ईजी नहीं होता है। तो इस लाइफ में ईजी बनाने के लिए इसमें 7 इंच का IPS डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि कैमरे का व्यू उस पर दिखाएगा, गाड़ी बिना कांच खोले बिना पीछे देखें आप सेफली उसे पार्क कर सकते हैं। प्लस पार्किंग सेंसर के साथ में इसे दिया गया है कि गाड़ी आपकी किसी प्रकार से कोई टच ना करे किसी भी पीछे कोई ऑब्जेक्ट को, उसके लिए आपको इसको बीप करता है सेंसिंग। उसके पहले जो कैमरे का फीचर्स है बहुत ही एडवांस फीचर्स है, जो हाईटेक दिया हुआ है, और 7 इंच टच स्क्रीन के साथ इसका डिस्प्ले शो होता है। क्या बात है, मतलब 7 इंच का टच डिस्प्ले है, उस पर पूरा आउटपुट होता है, पीछे का पूरा व्यू आ जाता है, और पीछे की डिजाइनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं इसे प्यार से और ध्यान से धीरज से ऑब्जर्व करूँ तो एक चीज़ जो मुझे काफ़ी यूनिक लगी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे बूट स्पेस को इतनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है, और ये जो लाइनिंग्स है, जो ड्यूअल टोन फिनिश आपको मिलता है, जैसे व्हाइट वेरियंट को आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसके साथ में रेड इज ऑफकोर्स इट्स इंडिकेशन वन, एंड उसके साथ में जो आपको ड्यूअल कलर यहाँ पर फिनिश मिलता है, जो इसकी डिज़ाइनिंग में चार चांद लगाता है, और अगर आप यहाँ से अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम सेडान्स की बात करें तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन दिखने में प्रीमियम है, परफेक्टली सेडान है, और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिलता है और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो वेल सर आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें, कितने लीटर का बूट स्पेस है इस कार में? देखिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि जो इसका बूट स्पेस इस बार चेंज किया गया है, 20 लीटर का इसका बूट स्पेस बढ़ाया गया है,
अब टोटल इसका बोर्ड स्पेस दिया गया है 480 लीटर का। क्या बात है, मतलब पिछली वर्ना से अगर हम कंपेयर करें तो 460 लीटर का बूट स्पेस हमें मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर 480 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है वर्ना। और बूट स्पेस को भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नेट्स दी गई हैं और पूरा जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव। ये तो बात हुई बूट स्पेस की, लेकिन जहाँ पर खुद इंसान बैठेगा उस स्पेस के बारे में भी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो बस बने रहिए हमारे साथ इन योर फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है मार्केट बस। सो फाइनली जहाँ से शुरुआत हुई थी सेगमेंट की, मैं वहीं पर आ गया हूँ, दैट इज़ द कैबिन ऑफ दिस कार। और काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी स्पेशियस है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अगर मुझे परमिशन दे दें तो इस कार को मैं ले जाऊँ एक लॉन्ग ड्राइव पर, और एक ऐसी ड्राइव पर जहाँ से मैं कभी ना आऊँ सीरियसली, बिकॉज मैं सिर्फ इस कार के साथ लाइफ लॉन्ग ट्रैवल करना चाहता हूँ, इतना प्यार हो गया है मुझे इस कैबिन से। वेल, मैं भी चाहता हूं कि आप सब भी इस पर एक नज़र डालें, तो मैं यहां पर गेट खोलता हूं और आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे कैबिन को, इस पूरे कॉकपिट को डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल मैं इसे कॉकपिट कहना चाहता हूं, बिकॉज इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, इट विल फील दैट यू आर राइडिंग अ एरोप्लेन। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वरना में हमने पिछला इंटीरियर देखा है और इस बार का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और जिस बेसिक इंटीरियर पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है, क्या कहा जाता है इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? देखिए, इस बार ऑफर बताना चाहूँगा, जो इस बार चेंज किया गया है इसके डिज़ाइनिंग में, ब्लैक और बेज और ब्राउन कलर में इसका इंटीरियर दिया गया है, टू टोन कलर में दिया गया है। पहले के मुकाबले काफ़ी अट्रेक्टिव है इसकी जो अंदर की इंटीरियर दी है, कि अपनी आँखों को सुकून मिले और एक इंटीरियर इतना शोभा दे कि फिर ड्राइविंग फील अच्छा हो। उसके अलावा जो 7 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो नेविगेशन के साथ में IPS डिस्प्ले दिया गया है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मिरर लिंक सुविधा के साथ में इसे दिया गया है। क्या बात है, मतलब 7 इंच का जो डिस्प्ले है वो काम काफ़ी अच्छा करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिससे आप बहुत सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं से मात्र स्टीयरिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छी चीज़ क्रूज़ कंट्रोल, ऑफकोर्स आप सब जानते हैं वॉट क्रूज़ कंट्रोल इज़। एक स्पीड पर जाएँ, स्पीड लिमिट सेट करें, देन अपना पैर एक्सीलेटर से हटा दें, आपकी गाड़ी उसी स्पीड लिमिट पर लगातार कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी। सो दिस इज़ द क्रूज़ कंट्रोल, वो काफ़ी अच्छा, आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बहुत सारे नॉब्स यहाँ पर दिए गए हैं। वॉल्यूम यानी आप अपने वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से कॉल पिक कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि बताया गया है कि एंड्रॉयड प्ले आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में आपको जो अगर आपका आईफोन है, एप्पल के गैजेट्स हैं तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अभी तक पता पड़ी थी, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये गाड़ी Hyundai के सर्वर से जुड़ी हुई होगी, यानी ऑटो पोर्टल होगा, तो उस बारे में कुछ बताइए कि क्या फीचर है वो और कैसे वो काम करता है। देखिए, जो बहुत अच्छा फीचर्स है इस बार दिया है, जो अदर गाड़ी से इसे बहुत प्रीमियम बनाता है, इस गाड़ी में दिया गया Hyundai ऑटो लिंक। Hyundai ऑटो लिंक एक ऐसी लिंक दी गई है, उसके अंदर एक डिवाइस दी है, डिवाइस के थ्रू आप अपने मोबाइल को, जो आपका नंबर गाड़ी लेने के पश्चात आप उस कंपनी में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड कराते हैं, उस रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा आप अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन डाउनलोडिंग करें एंड्रॉइड फ़ोन में, उसका नाम है Hyundai ऑटो लिंक। Hyundai ऑटो लिंक को आप अपने मोबाइल से सर्च करें, जो आपके पास कनेक्टिविटी है सर्वर की, आप उसके द्वारा अपने मोबाइल से जो गैजेट है आपके पास उसे कनेक्ट कर लीजिए। आप उसे सर्च कर पाएंगे मोबाइल में, आपके नाम उस पर दिया जाएगा, आपके नाम से गाड़ी आएगी, वरना के नाम से गाड़ी को आप उसके ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कीजिए, मोबाइल से कनेक्ट कीजिए लिंक द्वारा, Hyundai ऑटो लिंक द्वारा। कनेक्ट होने के पश्चात आप इस गाड़ी को जहाँ पर भी चलाते हैं, चाहे गाड़ी आप अपने शहरी क्षेत्र में चलाते हैं या फिर आउट ऑफ सिटी चलाते हैं, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है कि आपकी गाड़ी कहाँ पर चल रही है। मतलब ये आपके पास डेटा रहेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, क्योंकि ये अधिकतर होता है कि आपके मित्र बंधु हैं, बोले भैया थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे, बस यही दूसरे गली से आना है, कुछ काम है, तो आपने भैया गाड़ी दे दी और भैया उन्होंने पूरे शहर का चक्कर मारा और आपको गाड़ी ला के दे दी। अब कैसे मालूम पड़ रहा है कि ऑफकोर्स किलोमीटर दिख जाता है लेकिन फिर भी इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपके पास पूरा डेटा रहेगा कि एट दैट मोमेंट ये कार फिजिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो सारा डेटा आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाएगा। और ये जो ऑटो लिंक की फैसिलिटी दी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेल, अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है, जो मेरी पूरी बॉडी पॉस्चर देख पा रहे हैं, इट्स वेरी मच कंफर्टेबल। और अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है हमारे जितने भी ऑफकोर्स इंडियन कंज्यूमर्स हैं, हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो स्वेटिंग की जो दिक्कत है वो आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स का इस्तेमाल किया गया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल है, लेदर सीट्स हैं, लेकिन वेंटिलेटेड जो ऑप्शन होता है, जो वेंटिलेटेड फीचर है, वो किस प्रकार से काम करता है? देखिए, आमतौर पर जब अपन बैठा करते हैं सीट पर,
लंबे समय पर तक चलाने पर पीछे अपना बैक जो बैक चीज़ होती है बैक सपोर्ट में अपने को पसीना आने लगता है काफ़ी समय तक होता है, एक गर्मी सी महसूस होती है। तो फ्रंट की दोनों सीटों पर दिया गया है वेंटिलेटेड, अलग अलग इसका दिया है स्विच। आप जिस प्रकार से आप चाहे तो फ्रंट की सीट ड्राइवर की या को ड्राइवर की सीट पर आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर से दोनों साइड से अपर एंड लोअर से आपको इसमें वेंटिलेटेड इसमें एयर आती है। एयर आने पर आपका जो होता है कोई पसीना नहीं आता है और आपका जो होता है एक एयर सी महसूस होती है, मतलब जैसे कहते हैं जो थकावट होती है, मतलब जैसे कहते हैं कि जो पसीने के चलते जो थकावट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर आ जाऊँ और मैं आप सभी को दिखा दूँ। सो हेयर आई एम आउट ऑफ दिस कार और आप अगर आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द वेंटिलेटेड सीट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीट और इस सीट के बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा और वो ये कि आपको छोटे छोटे पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से लगातार अगर आप सेट कर दीजिए आपको किस लेवल पर यहाँ से एयर आउटपुट चाहिए और उसी लेवल पर उसी स्पीड पर यहाँ से लगातार एयर निकलती रहेगी जो आपको लगातार बैक में जो पसीना आता है या फिर जो थकावट महसूस होती है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, यूनिक फीचर है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। वेल, इस कार के बारे में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप सभी के सामने आने वाले हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो बस बने रहिए हमारे साथ इन द सेगमेंट ऑफ मार्केट बस। सो जैसा कहा जाता है कि भैया शरीर तो कितना भी अच्छा क्यों ना हो जब तक दिल उसका स्वस्थ नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। एंड जिसे कहा जाता है कि कार का दिल क्या होता है, ऑफ कोर्स द इंजन इज हियर। सो यहाँ पर CRDI 16V वेरिएंट का इंजन है। वेल सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने इंजन वेरिएंट्स में इस बार वर्ना के साथ लॉन्च किया है Hyundai ने। वर्ना जो लॉन्चिंग की गई है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में, मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों में ऑटोमेटिक वेरिएंट भी दिया गया है। क्या बात है, मतलब आपके पास सारे ऑप्शन है, आपके पास पेट्रोल वेरिएंट है, आपके पास डीजल वेरिएंट है और उसके साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के दो ऑप्शन मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। वेल, अगर हम इसकी पावर की बारे में बात करें, टॉर्क के बारे में बात करें, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना और लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या टॉर्क और क्या पावर और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन से पूरे इंजन की जो ये आउटपुट देता है? देखिए, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहेंगे अपन पेट्रोल इंजन 123 PS पावर के साथ इसे निकाला गया है, जिसमें 1.6 लीटर गामा डुअल VTVT इंजन की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही साइलेंट इंजन है। इसके साथ इसे जो दिया गया है 15.4 KGM का टॉर्क इसके साथ दिया गया है। माइलेज कंपनी ने इसे 17.7 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसे निकाला गया है। क्या बात है, मतलब इतना अच्छे आउटपुट, इतने अच्छे पावर, इतने अच्छे टॉर्क के बाद भी यहाँ पर जो है माइलेज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बेहतर माइलेज है। तो दिस इज़ अ कम्प्लीट पैकेज जो यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी अच्छा है। सर, मैं चाहता हूँ कि अब आप इस बूट स्पेस को, इस बोनेट को बंद कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हमने बात किया है इसके इंजन के बारे में, इसके पूरे डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर इस बूट स्पेस को हमने, इस बोनेट को बंद कर दिया है एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फिनिश है। तो वेल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन अभी भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी जनता जनार्दन चाहती है, वो ये है कि अगर हम इसके कलर वेरिएंट्स की बात करें तो कितने कलर वेरिएंट में इस कार को लॉन्च किया गया है? देखिए, इस बार जो लॉन्च किया गया है वो 7 कलर में इसे दिया गया है। काफ़ी पहली बार जो चेंजेस किए गए इसमें जो दिया गया है रेड कलर, फेरी रेड कलर में इसे निकाला गया है। वही फैंटम ब्लैक, पोलर वाइट, स्लिक सिल्वर, फ्लेमी ऑरेंज, फैंटम, उसके अलावा इसे नए कलर एक दिया गया है सेरी ब्राउन। क्या बात है, मतलब कलर ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया। और जो शाइनिंग इसका पेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप कोई से भी कलर वेरिएंट में लेंगे, जो शाइन है वो ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी, एक आई कैचिंग फैक्टर रहेगी जब आप इस कार को लेकर सड़कों पर जाएंगे। तो भैया, मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो आपको पलट के देखने वाले हैं, आपको नहीं आपकी गाड़ी को। एंड सर, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फिलहाल ऑन रोड प्राइस क्या है इस गाड़ी की? देखिए, ऑन रोड बताना चाहूँगा, पेट्रोल वेरिएंट अगर दिया गया है, बेसिक प्राइस जो सी रखी गई है, ऑन रोड कॉस्टिंग 9 लाख से स्टार्ट है पेट्रोल वेरिएंट, 10,67,000 से स्टार्ट है इसका डीजल वेरिएंट, जो कि ऑन रोड कॉस्टिंग के साथ में दिया गया है। क्या बात है, मतलब सारी चीज़ें आप सभी तक पहुँच गई है। लेकिन सर, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी बातें की हमने इस कार के बारे में, लेकिन अभी भी अगर इस कार के बारे में कुछ ऐसा कहना है आपको जो हमारी सारी जनता तक पहुँचना चाहिए, तो वो क्या होगा? देखिए, बताना चाहूँगा, जो वर्ना 2017 में लॉन्च की गई है, दी नेक्स्ट जेन वर्ना, इसे लॉन्च किया गया है 2017 में, काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ दिया गया है। उससे एक अच्छी बात है कि इसे जो एलेंट्रा की जो कमियाँ थी, एलेंट्रा में जो लोगों को चाहिए था कि एलेंट्रा प्लेटफॉर्म पे इसे बनाया गया है,
ताकि एलेंट्रा का भी फील हो। इसे लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ाया गया है और इसे खूबसूरती के तरीके से कोई भी कमी नहीं रखी गई है। फीचर्स की रिक्वायरमेंट देखें तो कस्टमर के हिसाब से इसे सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, जो एक मिनिमम बजट में एक अच्छी सी सुविधाएं सबको मिले और काफ़ी इन्जॉय के साथ लोग इसे सराहे और इसे पसंद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सो इतनी सारी बातें उन्होंने बताई हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें बताई है। सो गाइस अब समय हो गया है मेरा यहाँ से कल्टी मारने का, आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का। तो इस कार से तो जो लगाव है और जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा गहन हो चुका है, जिसे कहते हैं कि डीप लव, आई एम इन कम्प्लीट लव विद दिस कार। तो इस गाड़ी के साथ तो मेरा साथ बस यहीं तक का था और आपका और हमारा साथ भी यहीं तक का था, लेकिन मुझे पता है कि इस साथ को आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे, यानी आप हमें फीडबैक देंगे ऑन feedback@gmail.com पर कि आपको आज का हमारे ये मार्केट बस का सेगमेंट कैसा लगा बेस्ड ऑन ऑल न्यू 2017 न्यू जेन वर्ना एडिशन। और अगर इसके साथ में अगर आपको हमारे बाकी कोई शोज हैं जो आपने मिस कर दिए हैं, शोज को बार बार देखना है, तो सीधे जाइए YouTube पर, बस एक कीवर्ड टाइप करें, दैट इज HatchwayBTVUA, सारे शोज होंगे आपके सामने और आप उन्हें धड़ल्ले से एंजॉय कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि Facebook पर जाएं, HBTVUA टाइप करें, ऑफिशियल पेज आपके सामने आ जाएगा, उसे लाइक करें और साथ में आपके जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इन्वाइट करें ताकि वो उस पेज को लाइक करें। सो ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजय कुशाग्रे साइनिंग ऑफ विद द वेरी टैलेंटेड कैमरा पर्सन मिस्टर मनीष राव जागाजी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग HatchwayBTVUA, क्योंकि जमाना है वी द स्पीड लवर यंगस्टर्स का।